प्रयागराज जनपद के मऊवाइमा पुलिस ने एक ट्रक समेत उस पर लदी 40 लाख की शराब पकड़ी है। मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी फूलपुर के निर्देशन में मऊवाइमा पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें 40 लाख की शराब बरामद हुई है। पुलिस ने दो शराब तस्करों को भी दबोचा है जिनका नाम राजदीप सिंह पंकज कुमार है। ये जनपद लुधियाना पंजाब प्रांत के बताए जा रहे हैं। इनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि शराब को हरियाणा से लोड कर रांची ले जा रहे थे। प्रयागराज जनपद से एस के सिंह पटेल की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को एसीपी फूलपुर के निर्देशन में थाना मऊवाइमा ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें अवैध शराब अंग्रेजी जिसमें 594 पेटियां हैं, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख है, उसको पकड़ा गया है। इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम है राजदीप सिंह और दूसरा पंकज कुमार। दोनों ये जो हैं जनपद लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अब माल सीज कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर कहां से कहां जा रहा था माल? जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है कि इन लोगों ने जो ये सामान है वो लोड किया है करनाल से हरियाणा से और उसके बाद में ये लोग रांची जा रहे थे।